हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन क्लास। आई एम राहुल राजपूत, योर मैथ टीचर ऑफ एलपीएम पब्लिक स्कूल। एंड डियर स्टूडेंट, यू नो वेरी वेल, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डाटा हैंडलिंग चैप्टर एंड योर टॉपिक इज रिप्रेजेंटिंग डाटा एज ए सर्कल ग्राफ। डियर स्टूडेंट, ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी आगे के एग्जाम होते हैं, कंपटीशन होते हैं, उसमें इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पे डिस्कस किया जाता है। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज माइंड दिस एंड लुक एट द राइटिंग बोर्ड केयरफुली। ओके, योर क्वेश्चन इंस्ट्रक्शन गिवन हियर, द सर्कल ग्राफ शो द एक्टिविटीज चूजन बाय 40 स्टूडेंट ऑफ क्लास 5। डियर स्टूडेंट, आई एम रिपीट वंस अगेन, दिस सर्कल ग्राफ शो द एक्टिविटी चूजन बाय 40 स्टूडेंट ऑफ क्लास 5। ये जो सर्कल दिया है, ये 40 स्टूडेंट की एक्टिविटी को रिप्रेजेंट किया है। ओके, और आगे क्या स्टेटमेंट, स्टडी द ग्राफ टू द आंसर द क्वेश्चन। हमें इस सर्कल का जो डायग्राम है उसे हमें स्टडी करना है और उसी के अकॉर्डिंग हमें आंसर देने हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? कुछ क्वेश्चंस को हमने बोर्ड पे ऑलरेडी राइट करके रखा हुआ है ताकि हमारे समय की बचत हो सके और हम बहुत कम समय में इस टॉपिक को समझ सके। तो आइए चलते हैं, एक बार फिर से देखते हैं हमारा क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या है और जो ग्राफ, सर्कल ग्राफ जो हमने ड्रॉ किया है उसको हम कैसे क्लियर करते हैं, आइए देखते हैं। क्वेश्चन एक बार और रिपीट करेंगे, जो हमारे टॉपिक का जो स्टेटमेंट है उसको हम एक बार फिर से रिपीट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन दिया है उसे हम रीड करेंगे। रिपीटिंग डाटा एज ए सर्कल ग्राफ। डियर स्टूडेंट, आज हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, क्या, रिपीटिंग डाटा, रिप्रेजेंटिंग डाटा एज ए सर्कल ग्राफ। एंड योर इंस्ट्रक्शन गिवन हियर, द सर्कल ग्राफ शो द एक्टिविटीज चूजन बाय 40 स्टूडेंट। यहां पे दिस डाटा शो द 40 स्टूडेंट्स एक्टिविटी, ये 40 बच्चों की जो एक्टिविटी है, जैसे डांस है, म्यूजिक है, आर्ट है एंड बास्केटबॉल गेम है। तो ये हम सारे एक्टिविटी को एक सर्कल में माइंड किए हैं और ड्रॉ किए हैं डाटा और उसी के हम फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, टोटल स्टूडेंट हमारे जो सर्कल है वो कितने हैं, 40 स्टूडेंट हैं। ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, कितने स्टूडेंट है, 40 स्टूडेंट है। 40 स्टूडेंट में ये सर्कल का पूरा कंप्लीट हाफ पोर्शन जो दिया हुआ है, यहां से लेके यहां तक ये कंप्लीट सर्कल का हाफ है, यानी बास्केटबॉल के जो स्टूडेंट है वो 40 का हाफ यानी 20। तो ये हमारा क्या होगा, ये यहां पे हम 20 स्टूडेंट को शो करेंगे। क्लियर है, ये हमारे 20 स्टूडेंट हो गए। अब देखिए आगे का पूरा क्या है, अब ये तो हमारा 20 यहां से खत्म हो गया, क्योंकि ये हाफ पोर्शन है, बास्केटबॉल कंप्लीट सर्कल का हाफ है यानी 20 है, क्योंकि टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 40 स्टूडेंट है। टोटल क्लास 5 में 40 स्टूडेंट है और 40 का हाफ जो है बास्केटबॉल है, यानी 20 स्टूडेंट बास्केटबॉल एक्टिविटी को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। आइए हाफ में देखते हैं, हाफ में हमारी 3 एक्टिविटी है, यानी 20 में हमारी 3 एक्टिविटी है, डांस, म्यूजिक एंड आर्ट। अब ये 20 में हाफ जो किया है यानी 10, ये हमारा जो है, ये 10 हमारा जो है वो डांस है। 40 का हाफ कर दिया, पहले ही निकल गया बास्केटबॉल में, वो 20 हो गए। 20 का हाफ, 40 का हाफ ये जो बचा है उसमें 3 एक्टिविटी है, डांस है, म्यूजिक है और आर्ट है। क्लियर है, इसमें डांस में हमारी, क्योंकि 20 है, 20 का हाफ करेंगे तो 10 होगा एंड 10 में 2 है, ये हमारा यहां से करेंगे तो ये हमारा 10 हो गया, ये हमारा 10 हो गया, यहां का पोर्शन 10 और ये पूरा हमारा डांस का ये 10। अब इसमें हमें 2 एक्टिविटी है, 10 में भी हमारी 2 एक्टिविटी है, एक आर्ट है और एक म्यूजिक है, तो ये हमारा आर्ट भी 5 होगा और म्यूजिक भी हमारा 5 होगा। टोटल एक्टिविटी जो सर्कल में हमने रिप्रेजेंट किया है उसके टोटल स्टूडेंट के जो नंबर है उन्हें भी बार फिर से जान लेंगे। देखिए 20 एंड 10, 30 एंड 5, 35 एंड प्लस 5,
40. ये टोटल जो है वो कितने स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है? 40 स्टूडेंट को प्रेजेंट कर रहा है. इज इट क्लियर? ये कितने स्टूडेंट को प्रेजेंट कर रहा है? 40 स्टूडेंट को. बास्केटबॉल हमारा 40 विद 20 मींस 1/2 हाफ है, पूरे सर्कल का वो हाफ है. और यहां पे हमने क्या किया, उसके नंबर को रिप्रेजेंट कर दिया हाफ का, तो ये 20 हो गया. 20 का हाफ पे जो 40 के हाफ पे जो बचे वो 3 एक्टिविटी है, डांस, म्यूजिक एंड आर्ट. इसको हमने यहां पे सॉल्व कर दिया, डांस हो गया, म्यूजिक हो गया एंड आर्ट. सभी को क्लियर है? आइए अब हम ये स्ट्रक्चर हम बिल्कुल क्लियर कर लिए हैं. इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उनके आंसर को हमें दे दिए. फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा पूछा है, अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम क्या है, विच इज द मोस्ट पॉपुलर एक्टिविटी. यू नो वेरी वेल, बहुत आसान है. कौन ऐसी एक्टिविटी है जो क्या है, जो सबसे पॉपुलर है? तो आप देख पा रहे हैं कि बास्केटबॉल जो है वो सबसे क्या है, पॉपुलर एक्टिविटी है, सबसे चर्चित एक्टिविटी है, क्योंकि 40 स्टूडेंट में 20 स्टूडेंट ऐसे हैं जो बास्केटबॉल को लाइक कर रहे हैं. इज इट क्लियर टू एवरीवन? बहुत आसान है. यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये जो ये अपने को एक्टिविटी दिया हुआ है, पूरे एक्टिविटी में हाफ जो है बास्केटबॉल है. यानी स्वाभाविक है, कोई भी देखेगा तो देखते ही जान जाएगा कि सबसे ज्यादा पसंद करने वाला जो एक्टिविटी है वो बास्केटबॉल है. क्योंकि 40 में 20% बच्चे जो 40 में 50% बच्चे जो है वो क्या है, वो बास्केटबॉल को लाइक कर रहे हैं. तो हम क्या लिखेंगे, विच इज द मोस्ट पॉपुलर एक्टिविटी, क्या होगा, सबसे ज्यादा पॉपुलर एक्टिविटी जो है वो हमारी क्या है, बास्केटबॉल है, बास्केटबॉल. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा हो गया, विच इज द मोस्ट पॉपुलर एक्टिविटी, यू नो वेरी वेल, बास्केटबॉल. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, What fraction of student have chosen this popular activity? जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसी के अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड पूछा है, उसी के अकॉर्डिंग उसी से संबंधित हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, What fraction of the student have chosen this popular activity? And you know very well dear student, the most popular activity is basketball. And how many numbers have chosen in this activity? 20. And अब इस 20 को 20 upon 40 इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 1/2 होगा, क्योंकि हमने फ्रैक्शन वाले चैप्टर में इसको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लिया है. Am I right? तो 20 upon 40 को अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 1/2 करेंगे. अब वैसे भी आपको बिना ये सोल्यूशन किए हुए आप देखते ही बता देंगे कि जो फ्रैक्शन है वो क्लास 5 की एक्टिविटी का उसमें बास्केट बाइक का क्या रेशियो है, क्या फ्रैक्शन है, तो 1/2 है, क्योंकि सर्कल पूरा 1 होता है, उसका हाफ ये बास्केटबॉल है, 1/2, आधा पोर्शन जो है वो क्या है, बास्केटबॉल को ही लाइक कर रहे हैं. बास्केटबॉल की जो एक्टिविटी है वो सबसे क्या है, पॉपुलर है, चर्चित है. ओके, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, हम रिपीट करते हैं. व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द स्टूडेंट हैव चूजन दिस पॉपुलर एक्टिविटी, क्या होगा, 1/2, यू नो 1/2, इस यही हमारा फ्रैक्शन हो गया, क्योंकि हम 20/40 को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. सो डियर स्टूडेंट, 20/40 को अगर हम डियरेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो वो क्या होगा, 1/2, बिकॉज 20 एंड 22 40. इज इट क्लियर टू एवरीवन? And last, find the numbers of students who have chosen. अब क्या निकालना है, नंबर बताने, जो नंबर मैंने पहले ही डायग्राम में आपको एक्सप्लेन करते समय बता दिया था कि 40 स्टूडेंट जो एक्टिविटी में इन्वॉल्व है उसमें किनका क्या नंबर है. ओके, तो ये हमारा 20 है, बास्केटबॉल 20, डांस 10, म्यूजिक 5 एंड आर्ट 5 ऑल्सो. सो अब देखिए आप पढ़ने में बहुत आसान हो गया, find the numbers of the student who have chosen. अब हमें नंबर बताना है, डांस एक्टिविटी को लाइक करने वाले स्टूडेंट कितने हैं, यहां पे देखिए 10, यहां पे क्या बनेंगे 10. म्यूजिक सेकंड है, म्यूजिक कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो पसंद कर रहे हैं, तो क्या है 5, यहां पे हम 5 ही करेंगे. एंड सी आर्ट सेम है, म्यूजिक एंड आर्ट जो है वह इक्वल है 5-5 स्टूडेंट. यू नो आप चार्ट को देख करके भी बता सकते हैं, तो यहां पे क्या फील करेंगे 5. एंड लास्ट,
बास्केटबॉल, बास्केटबॉल तो जानते ही है सबसे मोस्ट फेवरेबल, सबसे मोस्ट इंटरेस्टेड जो एक्टिविटी है वो क्या है? बास्केटबॉल ही है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बास्केटबॉल। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट हमने ये जो हमारा जो डाटा एज सर्कल ग्राफ की जो रिप्रेजेंटिंग एक्टिविटी है उसे हमने बहुत अच्छे तरीके से फील कर लिया, सॉल्व कर लिया, कंप्लीट कर लिया। तो इस तरीके से अगर इस आपके टेक्स्ट बुक में बहुत सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से दिए हुए हैं, उस क्वेश्चन को आप खुद अपने आप सेल्फ घर पे करने का प्रयास करेंगे। अगर उस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत होती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को जरूर शेयर करें, हम आपके वहीं पे आपको एक क्वेश्चन को तुरंत आपके डाउट को दूर करने की कोशिश करेंगे। ओके, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।